आज बात करेंगे भाई पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट की। पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अगर हमारे पास कोई पर्सन है तो पाथ लेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक पर्सन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, मींस ए से ये पर्सन बी पे गया, तो इसकी पाथ लेंथ कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी पाथ लेंथ होगी मान लो 5 मीटर हमें दी गई है, ये पर्सन ए से बी पे गया है। अगर ये पर्सन बी से हमारा सी की तरफ जाए तो हमारी पाथ लेंथ क्या होगी, ये ए से बी पे गया और बी से सी पे गया, बी से सी भी 5 मीटर है, तो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो पाथ लेंथ कितनी होगी हमारी, 10 मीटर। मीन्स जितना पर्सन ट्रैवल करेगा, ए से बी 5 मीटर था, बी से सी 5 मीटर था, तो टोटल होगी 10 मीटर। जितना वो ट्रैवल करेगा उतनी हमारी होती है पाथ लेंथ। और इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स ए से बी पे और बी से सी पे जाने की बजाय अगर ये पर्सन डायरेक्टली ए से सी की तरफ जाता है तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ए से सी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगी ए बी और सी ट्रायंगल। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हम ट्रायंगुलर लॉ से निकाल सकते हैं, जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर, मीन्स 5 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ होती है टोटल पाथ जो ट्रैवल करता है कोई पर्सन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मोर वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।